Very good morning, students. So, in today's class, we will start with your second chapter in your geography book. And the theme of your second chapter is globe, latitudes, and longitudes. इस चैप्टर में हम ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, ये सब के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो ओपन योर ज्योग्राफी बुक पेज नंबर 10, चैप्टर 2. Right? Let's start. In the previous chapter, you have read that our planet Earth is not a sphere. देखो हमने last अपने जो chapter है universe वाला जो chapter था उसमें हमने क्या देखा था कि हमारा जो है जो पूरा universe है उसमें क्या है एक solar system है जिसमें बहुत सारे planets हैं stars हैं है ना और उन जो एक planets देखे थे हमने solar system में उनमें से एक जो है हमारा planet Earth भी है जिसपे हम रहते हैं और हमने साथ में देखा था कि अर्थ जो है पूरी तरह से एक राउंड शेप नहीं है. ठीक है, थोड़ा सा क्या है अपने जो है दोनों एंड्स पे थोड़ा सा बैठा होता है जिसको हम जियोइड शेप बोलते हैं, है ना. तो पूरी तरह से जो है अर्थ की शेप जो है गोल नहीं है. ठीक है, इट इज स्लाइटली फ्लैटन एट द नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स. अब क्या है जैसे कि ये नॉर्थ है ये साउथ. अब जो अर्थ है वो कैसे है, यहाँ से थोड़ी सी फ्लैटन है साउथ है, यहाँ से थोड़ी सी फ्लैटन है फिर साउथ है. यानी कि ये जो पोल है नॉर्थ पोल और साउथ पोल यहाँ से थोड़ी सी फ्लैट है यहाँ से भी और यहाँ से भी. ठीक है, नॉर्थ एंड को हम बोलते हैं नॉर्थ पोल और साउथ को बोलते हैं साउथ पोल. ठीक है, एंड बल्ज इन द मिडल. बल्ज का मतलब होता है घुरा हुआ होना, बीच में से ये क्या है इस तरीके से उभरी हुई है, यहाँ से थोड़ी सी फ्लैट है और यहाँ से थोड़ी सी बल्ज है. क्लियर, कैन यू इमेजिन हाउ इट लुक्स, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कैसी नजर आती होगी. यू मे लुक एट अ ग्लोब केयरफुली इन योर क्लासरूम टू गेट एन आइडिया. आप क्या कर सकते हैं अर्थ को समझने के लिए एक ग्लोब को यूज कर सकते हैं. ग्लोब क्या होता है देखो, हमारी अर्थ तो बहुत बड़ी है. अब हमें अगर अर्थ के फीचर्स के बारे में जानना है तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम इसे एक कॉपी बनाएंगे, छोटी कॉपी बनाएंगे. ठीक है, जिसको कि हम स्टडी कर सके, जिससे हमें पता लगे कि हमारे जो अर्थ है उसके फीचर्स कहते हैं. तो उस जो छोटी कॉपी को छोटी कॉपी होती है जो कि बिल्कुल सिमिलर होती है हमारी अर्थ से, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोब बोलते हैं. ग्लोब कैसा होता है, इस तरीके का होता है. ठीक है, ग्लोब क्या है बेसिकली एक छोटी फॉर्म है जो है हमारी अर्थ की. अर्थ को समझने के लिए हमने इसको एक छोटी कॉपी एक फॉर्म तैयार करी है ताकि हम अर्थ के बारे में जो है स्टडी कर सके. क्लियर, ग्लोब्स मे बी ऑफ वेरिंग साइज एंड टाइप्स. अब जो ये ग्लोब्स होते हैं ये ग्लोब्स ये अलग अलग साइज के और अलग अलग जो है टाइप के हो सकते हैं. राइट, कैसे अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, बिग वंस विच कैनॉट बी कैरीड इजीली, बहुत बड़े भी हो सकते हैं जिनको आसानी से आप कैरी नहीं कर सकते हैं, स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स ऐसे भी हो सकते हैं जो आपके पॉकेट में आ जाए, एंड ग्लोब लाइक बैलून्स, बैलून्स भी हो सकते हैं यानी कि ऐसे बैलून जिनमें जिनको अगर आप एयर फिल करेंगे तो वो एक ग्लोब की शेप ले लेंगे. विच कैन बी इंसुलेटेड एंड आर हैंगिंग एंड कैरीड इजी, जो आप आसानी से जो है उनमें एयर भर सकते हैं और कहीं भी लेके जा सकते हैं. द ग्लोब इज नॉट फिक्स्ड, ग्लोब जो होता है ये फिक्स नहीं होता, ये किसी भी तरीके का हो सकता है. इट कैन बी रोटेटेड द सेम वे एज अ टॉप स्पिन और अ क्वार्टर्स व्हील इज रोटेटेड. अब जैसे एक क्वार्टर्स है यानी कि एक जो कुम्हार होता है उसकी चक्की घूमती है राउंड राउंड, इस तरीके से आप इस ग्लोब को जो है घुमा के हर तरफ से देख सकते हैं. क्लियर, कि ग्लोब में जो है अलग अलग जगह पे कहीं पे ओशंस हैं कहीं पे कॉन्टिनेंट्स हैं. ठीक है, तो उस पूरे ग्लोब को जो है बॉल की तरफ घुमा कर उसकी पूरी अच्छी तरह से उसको स्पिन करा के उसकी स्टडी कर सकते हैं. ऑन द ग्लोब कंट्रीज कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस आर
shown in their correct signs. अब correct signs में कैसे हो सकते हैं? देखो, जैसे कि हम तो कह रहे हैं, हमें पता है हमारी अर्थ तो बहुत बड़ी है, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं जो ग्लोब होता है, लेकिन उसकी छोटी फॉर्म होती है जिसको हम स्टडी करते हैं, उस पर जितने भी ओशंस होते हैं, यानी कि महासागर होते हैं, कॉन्टिनेंट्स होते हैं, कंट्रीज होती हैं, वो एक्चुअल साइज में होती है. एक्चुअल साइज में क्या होती है? जितना बड़ा होगा एक्चुअल साइज है, उसी रेशो में हम उनके छोटे छोटे साइजेस को ग्लोब में ले लेते हैं, क्योंकि उनकी रेशो को बिल्कुल सेम जो है रखा जाता है, राइट? उसको हम बिल्कुल भी छेड़ते नहीं है, ठीक है? तो उसकी जो साइज है उसको एग्जैक्ट दिखाया जाता है ग्लोब की हेल्प से, ठीक है? जितने भी ओशियंस हैं, कंट्रीज हैं और कॉन्टिनेंट्स हैं, सब. इट इज डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ स्फीयर लाइक अर्थ. हम क्या है, अब सपोज ये स्फीयर शेप है. अब अगर मान लीजिए हमारी अर्थ जो है स्फीयर होती है, ऐसी होती है, ठीक है, हम हमें जाना है पॉइंट ए से बी तक, तो आप जा सकते हैं आराम से, ठीक है. लेकिन क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो क्या है, एक जियोइड शेप है, गोल शेप में है, तो क्या होगा, हमें किसी जगह को उसने जाना है, सपोज हमें इसके पीछे वाली जगह पे जाना है या फिर कहीं किसी और पॉइंट पे जाना है, तो हमें उस लोकेशन को आइडेंटिफाई करने में जो है प्रॉब्लम आती है कि हम उस जगह तक, मतलब उसकी लोकेशन तक कैसे पहुंचे, ठीक है. तक नाउ द क्वेश्चन अराइज्ड एज टू हाउ टू लोकेट अ प्लेस ऑन एट. अब क्वेश्चन ये होता है कि हम इसमें किसी प्लेस को कैसे लोकेट कर सकते हैं, हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये जगह जो है कौन सी, मतलब लोकेशन में पड़ेगी. अब सपोज पॉइंट ए है, कोई कंट्री ए है, तो हम कैसे बताएंगे? अब अगर ये सीधी जगह होती तो हम बोल देते राइट में है या हम बोल देते लेफ्ट में है, लेकिन ये तो एक सर्कुलर शेप हो गई एक तरीके की, है ना. हम कैसे बताएंगे कि ये जो कंट्री ए है वो उसकी लोकेशन क्या है, ठीक है. We need certain points of reference and lines to find out the location of places. अब किसी जगह की किसी place की location को बताने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, कुछ references चाहिए होते हैं और कुछ lines चाहिए होती हैं, ठीक है, जिनको हम अभी आगे देखेंगे. You will notice that a needle is fixed to the globe in a tilted manner, which is called its axis. अब देखो, ये जैसे ये एक ग्लोब है, ये ग्लोब की फोटो गिवन है आपको यहाँ पे, राइट? ये क्या है, एक ग्लोब है. तो आप जब भी किसी ग्लोब को देखेंगे तो आपको आप देखेंगे कि इसको हम थोड़ा सा टिल्टेड, यानी कि थोड़ा सा टेढ़ा जो है, टेढ़ी फॉर्म में, टिल्टेड फॉर्म में झुका हुआ लगाते हैं, और यहाँ से एक नीडल गई हुई थी, ये जो दिख रही है आपको ऊपर से, अंदर से यहाँ से एक नीडल गई हुई है, और इस पे ही हम इसको स्पिन कराते हैं, यानी कि गोल गोल राउंड राउंड घुमाते हैं. तो ये जो निडल इसके बीच में से गई हुई है, ये क्या है, इसका एक्सिस बताती है हमें, ठीक है, कि ये कौन से, मतलब इसका जो एक्सिस है अर्थ का, सेंटर पॉइंट है, वो कहाँ से होके जा रहा है, ठीक है, क्लियर? इसलिए हम इसको एक निडल के थ्रू जो है उसको पास करते हैं, और इसको थोड़ा टिल्टेड फॉर्म में रखते हैं, और फिर इसको रोटेट करके जो है हम अलग अलग जगहों की जो है लोकेशंस को देखते हैं. इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एक्सिस बोलते हैं. जो ये पार्ट होता है नीचे वाला, यानी कि जैसे सपोज ये है आपका ग्लोब, ठीक है, ये एंड हो गया, ये एंड हो गया, ठीक है. तो इन पॉइंट्स पे जहाँ से ये मिडल जा रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, जहाँ से ये मिडल पास होके जा रही है उसको हम एक्सिस बोलते हैं. एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, जहाँ से ये मिडल पास होके जा रही है सेंटर में से, क्लियर. टू पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू व्हिच द मिडल पासेस आर टू पोल्स. ये जो इन दो जगहों से गुजरती जाती है, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं पोल्स. ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलेंगे नॉर्थ पोल,
और इसको बोलेंगे साउथ, जो सदर्न पार्ट होगा उसको बोलेंगे साउथ पोल, राइट। द ग्लोब कैन बी मूव अराउंड दिस मिडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जस्ट एज अर्थ मूव्स। अब जैसे अर्थ घूमती है, अर्थ कैसे घूमती है देखो, अर्थ ऐसे 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 रोटेट करती है अराउंड अराउंड अराउंड, और दूसरा वो जो है सन की चारों तरफ रिवॉल्व भी करती है, कि रेवोल्यूशन भी है उसका रोटेशन भी है। लेकिन जैसे हम ग्लोब के लिए मिडल चूज कर लेते हैं तो उस पर जो ग्लोब है वो भी हम इस तरीके से घुमा सकते हैं, जैसे कि अर्थ घूमती है, ठीक है, अर्थ रिवॉल्व होती है उसी तरीके से हम ग्लोब को घुमा सकते हैं, राइट। बट रिमेंबर देयर इज अ मेजर डिफरेंस, लेकिन हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि इन सब में एक मेजर डिफरेंस है। द रियल अर्थ हैज नो सच मिडल, रियल लाइफ में जो है अर्थ के अंदर से ऐसी कोई मिडल नहीं जा रही है। तो हमने ग्लोब में से समझने के लिए ग्लोब में डाली हुई है ना, लेकिन एक्चुअल में अर्थ में से कोई मिडल पास नहीं होती है, ठीक है। इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस व्हिच इज एन इमेजिनरी लाइन। अब क्या है जो एक्चुअल में जो अर्थ है
अर्थ जो है राउंड फिगर में है, तो हम इस इक्वेटर को भी थोड़ा सा ऐसे रखते हैं। ये क्या है हमारा इक्वेटर है। अब जितनी भी लाइंस यहाँ से जा रही है एक्स पोल्स तक, ठीक है, इन लाइंस को हम क्या बोलते हैं, इन लाइंस को हम बोलते हैं पैरेलल्स ऑफ मैग्नेट्यूड। पैरेलल्स क्यों, क्योंकि ये इक्वेटर के पैरेलल चल रही है, ठीक है, और कहाँ तक जा रही है, पोल्स तक जा रही है। इन लाइंस को हम बोलते हैं पैरेलल्स ऑफ मैग्नेट्यूड्स। क्या बोलेंगे, मैग्नेट्यूड्स, पैरेलल्स ऑफ मैग्नेट्यूड। पैरेलल्स क्यों, क्योंकि ये हमारे इक्वेटर के जो है पैरेलल चल रही है, ठीक है। मैग्नीट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्री। अब हम इनको क्या है इसमें नापते हैं, डिग्रीज में, जैसे 80 डिग्री, 70 डिग्री, इस तरीके से, ठीक है, 40 डिग्री, 20 डिग्री। यानी कि अगर हम सपोज ये जो इक्वेटर है, ये हमारी इमेजिनरी लाइन है, हम बोलते हैं इक्वेटर जो है 0 डिग्री पे, ठीक है। अब हमें जाना है नॉर्थ में, नॉर्थ कहाँ है, इस साइड है, इधर साउथ है, तो सपोज हम इसको बोलेंगे 20 डिग्री नॉर्थ, यानी कि हम जा रहे हैं ऊपर की साइड। इक्वेटर से कहाँ जा रहे हैं, 20 डिग्री नॉर्थ की साइड, यानी कि ऊपर की साइड। अगर हमें जाना है नीचे, सपोज हमें इस पॉइंट पे आना है, इस पॉइंट का नाम हो सकता है 50 डिग्री साउथ, क्योंकि हम इक्वेटर से कहाँ जा रहे हैं, साउथ की तरफ, ठीक है। तो इनको हम किस में मेजर करते हैं, जो हमारे लैटिट्यूड्स हैं इनको हम डिग्री में मेजर करते हैं। इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है। इक्वेटर को हम जो है क्या मान के चलते हैं, 0 डिग्री, ठीक है। सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू ईदर ऑफ द पोल्स इज 1/4 ऑफ अ सर्कल राउंड द अर्थ, अब हमने क्या कहा था कि इक्वेटर जो है बिल्कुल बीच में आता है, तो पोल्स का जो डिस्टेंस है वो कितना है, दोनों साइड पे 1/4 ऑफ अ सर्कल राउंड द अर्थ, अर्थ के राउंड द सर्कल कितना है, 1/4 है। इट विल मेजर ऑफ 360 डिग्री, दैट इज 90। द 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मेक्स द नॉर्थ पोल। इसको हम सिंपल से फॉर्मल समझते हैं, जो यहाँ पे हमारा होगा नॉर्थ पोल, ये जो पॉइंट है ये कितना होगा, 90 डिग्री, और ये कितना होगा, 90 डिग्री। ऐसे कितने के यहाँ पे लिखते हैं एन, एन का मतलब होगा नॉर्थ, 90 डिग्री नॉर्थ पे हमारा क्या है, नॉर्दर्न पोल है, और 90 डिग्री साउथ पे है हमारा सदर्न पोल है, ठीक है, ठीक है। अब 90 डिग्री क्यों लिया हमने, क्योंकि ये क्या है, पूरे अर्थ को तो इक्वल पार्ट्स में बांट रहे हैं, तो हमने क्या करा, सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू ईदर ऑफ द पोल इज 1/4 ऑफ अ सर्कल, यहाँ से यहाँ तक जाने में एक सर्कल का 1/4 हिस्सा लगता है, 1/4 कितना हो गया, 360 का, दैट इज 90, ठीक है। इसलिए हमने पोल को क्या लिया, 90 डिग्री, दोनों जगह के पोल को 90 डिग्री माना, लेकिन इसको हम बोलेंगे 90 डिग्री नॉर्थ, इसको हम बोलेंगे 90 डिग्री साउथ, क्लियर है। Thus, 90 degree north latitude marks the north pole and 90 degree south latitude marks the south pole. Clear hai? As such, all parallels north of the equators are called north latitudes. जितने भी ये ऊपर वाले जो north की side जा रहे हैं latitudes, इनको हम बोलते हैं north latitudes, ठीक है। और and similarly, all parallels south of the equator are called south latitudes. जितने भी ये parallels साउथ की साइड है, लेकिन नीचे की साइड आ गई तो बोलते हैं साउथ लैटिट्यूड्स, क्लियर है। जितने नॉर्थ की साइड पैरेलल्स हैं, पैरेलल क्या है, पैरेलल टू लाइंस को बोल रहे हैं, ठीक है। तो जितने नॉर्थ की साइड है वो नॉर्थ, उनको बोलेंगे नॉर्थ लैटिट्यूड्स, जितने साउथ की साइड है उनको बोलेंगे साउथ लैटिट्यूड्स। द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड इज देयरफॉर फॉलोड बाय ईदर द वर्ड नॉर्थ और साउथ, यानी कि इधर जितनी भी वैल्यू हम निकालेंगे उनके साथ हम लिखेंगे नॉर्थ, पीछे एन लगा देंगे, ठीक है। इधर जितनी भी वैल्यू हम बताएंगे उनके नीचे हम एस लगा देंगे, ठीक है। तो हमें पता चलेगा कि हम साउथ की बात कर रहे हैं, एस होगा तो साउथ की बात कर रहे हैं, एन होगा तो हमें पता चलेगा कि हम नॉर्थ डायरेक्शन, यानी कि नॉर्थ पोल वाली साइड की बात कर रहे हैं, ठीक है। जनरली दिस इज इंडिकेटेड बाय द लेटर एन और एस, ठीक है। नॉर्थ के लिए हम एन वर्ड यूज, एन लेटर यूज करेंगे, और साउथ के लिए एस लेटर यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वो चंद्रापुर इन महाराष्ट्र
येलो हॉरिजॉन्टल इन ब्राजील साउथ अमेरिका का लोकेटेड ऑन पैरेलल्स ऑफ 20 लैटिट्यूड्स। अब इसको समझते हैं हम जरा। ये कह रहा है कि जो महाराष्ट्र का चंद्रपुर कोई जगह है इंडिया में, वो कितने पे है? वो है 20 डिग्री पे, वो भी 20 डिग्री पे है, ठीक है। और वही जो बेला है, बेलो हॉरिजॉन्टे है ब्राजील में, वो क्या है? वो भी 20 डिग्री लैटिट्यूड पे है। अब दोनों ही 20 डिग्री जो है लैटिट्यूड पे है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी जगह पे है? ये हमें तभी पता चलेगा जब हम बताएंगे कि ये वो यहाँ पे, मतलब अगर सपोज ये कह रहे हैं कि जो हमारा जो महाराष्ट्र वाली जगह है वो 20 डिग्री नॉर्थ में है, और जो ब्राजील वाली जगह है वो 20 डिग्री साउथ में, यानी कि एक तो इक्वेटर के ऊपर है, दूसरा इक्वेटर के नीचे है, राइट। तो दोनों में क्या डिफरेंस होती है? कैसे हमें हमने डिफरेंशिएट किया? हमने देखा कि कौन सी जो है नॉर्थ साइड की डायरेक्शन में है, जो कि हमें एन से पता चला, और दूसरा जो साउथ की साइड में है उसको हम उसके आगे हमने एस लिखा, तो हमें पता चला वो साउथ डायरेक्शन में है, ठीक है। क्योंकि जो इनकी लाइन्स की वैल्यू है उनको हम इक्वल रखेंगे, सिर्फ उनके बीच में एन लगा होगा तो हमें पता चलेगा नॉर्थ डायरेक्शन, एन लगा होगा तो पता चलेगा साउथ डायरेक्शन, ठीक है। वी देयरफॉर से चंद्रपुर इज सिचुएटेड एट 20 N लैटिट्यूड। 20 N का मतलब हो गया, हम कहेंगे चंद्रपुर जो है 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे है, और बेलो हॉरिजॉन्टे जो है वो कहाँ पे? 20 डिग्री S लैटिट्यूड पे है, यानी साउथ में है। वी सी इन फिगर 2.2 दैट एज वी मूव अवे फ्रॉम इक्वेटर द साइज ऑफ द पैरेलल लैटिट्यूड डिक्रीज। हम देखते हैं, देखो देखते हैं ये हमारा नॉर्दर्न पोल है। अब देखो जैसे हम कोई एक बॉल की शेप ले लो, या हाथ में ग्लोब पकड़ लो अगर आपके पास है, तो एक तो ये सर्कल हुआ, फिर एक ये सर्कल हुआ, इस तरीके से सर्कल बनेंगे ना, क्योंकि वो सर्कल तो उसके पीछे से भी कवर होगा। तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ आते हैं, चाहे हम इधर आए चाहे हम इधर आए, धीरे धीरे जो साइज है पैरल्स का क्या है, ये छोटा हो रहा है, ठीक है। आपको पहले लंबा पैरल था, फिर छोटा हुआ और छोटा हुआ, और फिर और छोटा, यानी कि पोल्स की साइड हम जितना बढ़ते हैं ये जो पैरल लाइंस हैं, ये जो लेटिट्यूड्स हैं वो उतने ही छोटे होते जाते हैं, क्लियर है, राइट, क्लियर है। जो लेटिट्यूड्स पैरल्स ऑफ लेटिट्यूड्स हैं उनका साइज जो है छोटा होता जाता है, क्यों? क्योंकि ये सर्कुलर शेप में है ना, तो एक छोटा सर्कल फिर एक बड़ा फिर एक बड़ा, और जो बीच में से जहाँ से बल्ज हमने बोला था कि अर्थ क्या है उभरी हुई है, वहाँ पे सबसे बड़ा होगा, क्योंकि बीच में से उभरी हुई है वहाँ का जो लैटिट्यूड है वो सबसे बड़ा होगा, ठीक है। जैसे नीचे नीचे जाएंगे हम तो और फिर से वापस से लैटिट्यूड पोल्स की साइड पे छोटे होने लगेंगे, क्लियर है ये मैटर, क्लियर है। इसके आगे फिर हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।